सहनावत सहनऊुन सहवेव तेजस्विनावधि तमस्तु विष शांति 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 न्यायदर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथमानिक पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रसंग चल रहा था सर्वम पृथक लक्षण जो भी है सब क्या है नाना है पृथक लक्षण वाला है तो यहाँ अवयवी का खंडन कर रहे हैं ये सर्वम नाना न कश्चित एको भावो विद्यते कुछ भी एक के रूप में नहीं है अवयवी के रूप में नहीं है कुछ भी और इसका हेतु दिया था भाव लक्षण जितने भाव का मतलब है यहाँ पर पदार्थ द्रव्य जो भी अवयवी के रूप में है उसको भाव से कहा है तो उन सब का लक्षण लक्षण माने अभिधान अभिधान मतलब संज्ञा उन सब की संज्ञा लक्षण अभिधान ये अलग होने से तो ये हमने पढ़ लिया था सूत्र इसका इन्होंने खंडन किया न अनेक लक्षण भाव अनेक भाव निष्पत्ते तो सूत्र में इन्होंने बताया ये मध्यम पद लोपी समास है अनेक लक्षण का मतलब है अनेक लक्षण अनेक भाव अनेकविध लक्षण गंधादिभिश्च गुण और बुद्धादिभिस्वयवी संबद्धों एको भावो निष्पद्यते जो अवयवी होता है जैसे घट का इन्होंने उदाहरण लेके इस चर्चा को शुरू किया तो उसमें गंध आदि जो गुण हैं और उसका बुद्ध पार्श्व ग्रीवा आदि जो उसके अवयव हैं वो सब संबद्ध हैं जिसमें ऐसा अवयवी होता है उसको घट कहेंगे हम और फिर आगे और इन्होंने एक अगले सूत्र में कहा लक्षण व्यवस्थात एव अप्रतिषेध लक्षण व्यवस्थात मतलब घटपट पदार्थ जो पदार्थ हैं घटपट आदि जो पदार्थ हैं उनके लक्षण की व्यवस्था होने से उनकी जो संजय है अब घट संजय किसकी है जिसमें ये गंध रूप रस आदि ये गुण हैं और जिसमें ये अवयव हैं बुद्ध पार्श्वग्रीवा आदि इन सब से जो संबद्ध है उसी का तो लक्षण घट है ना तो लक्षण व्यवस्थात्व अप्रतिषेध अप्रतिषेध है माने संसार में कोई एक पदार्थ नहीं है अवयवी नहीं है ऐसा प्रतिषेध आप नहीं कर सकते क्योंकि ये जा, सारी जो संज्ञाएं हैं जो लक्षण हैं, वो अवयवी को लेकर के ही हैं, किसी परमाणु की कोई संज्ञा नहीं हो सकती है परमाणु की परमाणु ही संज्ञा हो सकती है मतलब घटपट आदि संज्ञा नहीं हो सकती है, है ना तो चलिए मैं इसका एक बार पढ़ जाती हूँ एक पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था न कश्चित एकोभाव इति अयुक्त प्रतिषेध जो आपने कहा कि कुछ भी यहाँ एक भाव वाला नहीं है एक नहीं है तो ये आपका प्रतिषेध करना एकत्व का या अवयवी का प्रतिषेध करना आयुक्त उचित नहीं है कस्मात् लक्षण व्यवस्थात एव लक्षण की व्यवस्था देखे जाने से संसार में यदि यह लक्षणम भावस्य ये जो भाव का लक्षण है भाव का लक्षण माने जो भी पदार्थ हैं इनके जो संज्ञावाचक शब्द हैं उनको लक्षण कहा है भावस्य लक्षणम संज्ञा शब्द भूतम जिसको संज्ञा कहा जाता है तद एकस्मिन व्यवस्थित व्यवस्थितम वो किसी एक अवयवी में ही व्यवस्थित है घट केवल किनारे को नहीं कहेंगे घट केवल गंध को नहीं कहेंगे घट केवल रूप को नहीं कहेंगे घट संज्ञा किसकी है जिसमें ये सब अवस्थित हैं, उसकी घट संज्ञा है तो वही कह रहे हैं तद एकस्मिन व्यवस्थितम और इसीलिए फिर हम लोग में ऐसे व्यवहार करते हैं यम कुंभम अद्राक्षम तम स्प्रेशा जिस घड़े को मैंने देखा था सुबह अब मैं उसी का स्पर्श कर रहा हूँ यमेव अस्प्राक्षम जिसका सुबह स्पर्श किया था अब उसी को देख रहा हूँ तो ये व्यवस्था कब हो सकती है जब अवयवी हो यदि अवयवी नहीं है तो परमाणु परमाणु तो सब एक ही जैसे हैं तो पहचान कैसे होगी कि सुबह जिसको छुआ था उसी को अभी देख रहा हूं ऐसी पहचान तो अवयवी के मानने पर ही हो सकती है नाणु समूह समूह गृह्य ये ऐसी व्यवस्था अणु का समूह मानेंगे सब पदार्थों को तो ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी इति अणु समूह च अगृह्य मणे यद गृह्यते तद एकमेव क्योंकि अणु समूह तो अणु का स्वरूप ये है कि उसका हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं अतिद्रिय है उसको इंद्रिय से देख भी नहीं सकते हैं परमाणु को तो हम तो जो गृहित तो होता है यदि गृह्यते तद एकमेव जो गृहित होता है वो तो अवयवी ही होता है एक ही होता है अथाप्य अनुक्तम नास्ती एको भावो यस्मात समुदाय और जो आपने ये कहा था कि इस संसार में कोई भी एक भाव नहीं है एक वस्तु नहीं है अवयवी नहीं है क्यों यस्मात समुदाय क्योंकि सब कुछ क्या है परमाणु के समुदाय रूप में है वृक्ष भी क्या है परमाणुओं का समूह पर्वत क्या है परमाणु का समूह पृथ्वी परमाणु का समूह घट परमाणु का समूह पट परमाणु का समूह मनुष्य का शरीर परमाणुओं का समूह गाय का शरीर परमाणु का सब इन्होंने कहा था सब कुछ समुदाय है एक कुछ भी नहीं है अथाप्य अनुक्तम जो आपने ये कहा था कि नास्ति एको भावो अवयवी नहीं है कोई एक अवयवी भी नहीं होता युदाय क्योंकि समुदाय ही होता है तो अब ये कह रहे हैं एक अनुपत्ति नास्ती व समूह एक की यदि अनुपपत्ति मानेंगे तो समूह की उपपत्ति भी नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि एक एक को मिला के ही तो समूह होता है यदि आप एक को स्वीकार नहीं करोगे तो समूह कैसे बनेगा नास्ति एको भावो यस्मात समूह भाव शब्द प्रयोग ये की मात्रा लगा लेना प्रयागे लिखा हुआ है ना प्रयोग कर लो इसको आपने कहा था कि कोई भी एक भाव नहीं है और हेतु दिया था यस्मात समूहे जो परमाणुओं का समूह है उसमें भाव शब्द प्रयोग किसी अवयवी का अव इस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है घट जो संज्ञा है उसका प्रयोग एक खास प्रकार के परमाणुओं के समूह के लिए किया जाता है ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा था और उसके साथ क्या कहा था इन्होंने नास्ति एको भाव एकोभाव समूह भाव शब्द प्रयोग है एक अनुपपत्ते समूह नौपद्य तो उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति एक चनुपत्ति एक की अनुपत्ति होने से एक को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो समूह नौप फिर समूह की उपपत्ति भी नहीं हो सकती है क्यों उपपद्यते नॉपद्यते एक समुच्चयो ही समूह इति क्योंकि एक-एक का जो समुच्चय है उसी को तो समूह कहते हैं एक-एक को रखते गए रखते गए रखते गए एक-एक आंवला को तभी तो आंवला का समूह बनेगा पर एक कोई नहीं मानोगे तो समूह को कैसे मानोगे फिर ये तो इनकी प्रतिज्ञा है देखो ना आप कुछ भी एक नहीं है सर्वम पृथक भाव सब कुछ पृथक पृथक है एक नहीं है कुछ भी यही तो कहा था इन्होंने तो ये कह रहे हैं एक समुच्च ही समूह इति व्यावात अनुपपन्नम और ये तो परस्पर विरुद्ध हो गया एक हो तो समूह हो और एक नहीं तो समूह भी नहीं तो, ये तो परस्पर विरुद्ध बात होगी आप समूह को तो मान रहे हो और एक को नहीं मान रहे हो व्याहत अनुपन्नम इसलिए आपकी ये जो प्रतिज्ञा थी नास्ती एको भाव इति तो ये उपन्न नहीं हो पाएगी यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञाए जिसका प्रतिषेध जानते हुए भी आपको पता है कि भाई एक नहीं है तो समूह भी नहीं है ये प्रतिषेध प्रतिज्ञाएते समूह भाव शब्द इति ब्रुवता स एव अभ्यनुते एक समुच्चयो ही समूह तो आप क्या कर रहे हैं यस्य प्रतिषेध प्रतिज्ञाएं जिसका आप प्रतिषेध कर रहे हैं किसका प्रतिषेध कर रहे हैं एक का और समूह भाव शब्द और समूह में आप भाव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं एक को स्वीकार नहीं कर रहे एक का निषेध कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि समूह की भाव संज्ञा है तो एक तरह से तो आपने उसको स्वीकार कर ही लिया ना जब समूह को स्वीकार कर रहे हो तो अप्रत्यक्ष रूप से तो आपने उसको स्वीकार कर ही लिया क्योंकि हेतु इन्होंने क्या क्या दिया यस्मात भाव शब्द ये दिया था तो कह रहे इति हेतु हे को स्वीकार करते हुए इस हेतु को बोलते हुए स एव अभ्यनते उसी को स्वीकार कर रहे हो हेतु में जिसका खंडन कर रहे हो उसी को आप अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर, तो कर रहे हो तो क्या दिया था इन्होंने क्योंकि सब कुछ समूह रूप है तो समूह रूप को स्वीकार कर रहे हो तो समूह तो एक एक को मिला के बनता है तो अप्रत्यक्ष रूप से एक को स्वीकार कर ही लिया आपने तो उसको पहले स्वीकार करके फिर आप उसका प्रतिषेध कर रहे हो तो कहा इति हेतु ब्रुवता स एव अभ्यनुज्ञी एक समुच्चयो ही समूह क्योंकि एक एक का समुच्चय ही समूह है जिसका आप समूह कह करके प्रतिषेध कर रहे हो उस हेतु के द्वारा ही आप अप्रत्यक्ष रूप से उस एक को स्वीकार कर ही रहे हो क्योंकि समूह कहते ही उसको है जो एक समुच्चय एक एक का समुच्चय होता है समूह शब्द प्रयोगात समूहम आश्रित प्रत्येक समूह प्रतिषेध हो आप क्या कर रहे हो समूहे समूह में भाव शब्द प्रयोगात समूह में आप भाव शब्द का प्रयोग कर रहे हो संज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो ये जो संज्ञा है समूह आश्रित प्रत्येक समूही प्रतिषेध ये जो संजय है ये कि, किस में आश्रित है समूह के एक एक कण में आश्रित है ना समूह आश्रित समूह का आश्रय लेकर के ही तो ये संजय है तो उसको स्वीकार करके समूह को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन प्रत्येकम समूह ही प्रतिषेध उस समूह का जो प्रत्येक पार्ट है समूह ही समूह वाला जिससे समूह बना तो वो एक एक जो परमाणु है उसका आप प्रतिषेध कर रहे हो और उस प्रतिषेध करते हुए क्या कह रहे हो नास्ती एकोभावी एक कुछ भी नहीं है अब ये है ही नहीं संसार में कुछ भी नहीं है सो अयम उभय तो व्याघाता यद किंचन इति तो ये आपका जो वाद है ये दोनों तरफ से व्याहत हो रहा है दोनों तरफ से इसके ऊपर व्याघात हो रहा है दोनों तरफ से कैसे व्याघात हो रहा है एक को मान नहीं रहे हो समूह को आप मान रहे हो तो एक तो जो आपने हेतु दिया है वो आपका हेतु ही खंडित हो रहा है हेतु क्या दिया इन्होंने नहीं लक्षण पृथकवाद जो भाव का लक्षण है वो सब अलग अलग है और एक तरफ आप समूह को स्वीकार कर रहे हो तो आप दोनों तरफ से आपका मत खंडित हो रहा है एक को मान नहीं रहे हो समूह को मान रहे हो तो ये गलत हो गया और समूह तो बनता ही तब है जब एक एक को मिलाएं नहीं तो आपका समूह भी खंडित हो जाएगा जो समूह को मान रहे हो तो आप तो या तो आप समूह को मान रहे हो तो एक को भी मान ही रहे हो और यदि आप एक को नहीं मान रहे हो तो आपका समूह भी खंडित हो ही रहा है तो ये जो आपका वाद है ये कैसा हो गया यत्किन्चन्वाद। यत्किन्चन्वाद वाद यत किंचन वाद माने बेचारावाद तुच्छवाद कहते हैं ना भैया तो बेचारा है इसके पास कुछ है ही नहीं तो ये वाद ऐसा ही है इसमें कोई दम खम नहीं है ना इसकी प्रतिज्ञा में दम है ना इसके हेतु में दम है और उदाहरण है ही नहीं इसके पास तो इस वाद को कहा यतकिंचनवाद तो यहां इन तीन सूत्रों से बताया सर्व निराकरण प्रकरणम सब कुछ अलग अलग है कुछ भी एक नहीं है और जिसको आप एक या अवयवी कह रहे हैं वो परमाणुओं का समूह मात्र है ये खंडित हो गया यहां पर गौतम ऋषि के मत में मतलब ये ये जो वाद है ना भाई ये ये इस अर्थ में था एक्चुअली कई बार ये भी तो होता है ना कि वक्ता ने जो बात कही है वो किस अर्थ को ध्यान में रख करके कही है और जो अर्थ को लेने वाला है वो किस अर्थ में ले रहा है तो उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तो जगन मिथ्या का अर्थ उनका क्या था अनित्य मिथ्या का मतलब अनित्य था उनका कि भाई अनित्य है ऐसा नहीं है कि वो दीवार को दीवार नहीं मान रहे और वहां जाके टक्कर मारेंगे ऐसे नहीं है। ब्रह्म ही सत्य है आत्म तत्व ही सत्य है चेतन तत्व ही सत्य है सत्य का मतलब है शास्वत सत्य का मतलब ये नहीं है कि इसको मानते हैं इसको नहीं मानते ये अर्थ तो हमने कर लिया उनके वाक्यों का उनका कहने का अभिप्राय तो यही था कि जो चेतन तत्व है वो तो शाश्वत है और उसके अलावा सब कुछ जो है वो अनित्य है है लेकिन अनित्य है तो फिर अब उसको लेकर के हम झगड़ने लग गए कि भाई यदि जगत अनित्य है तो आप कहने वाले भी अनित्य हो और जिसने इसका उपदेश दिया वो भी अनित्य हैं तो अनित्य की बात को हम नित्य क्यों माने आपकी बात भी अनित्य तो कुतर्क जहाँ आता है ना तर्कों से या कुतर्क से तो बिल्कुल ही नहीं सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता लॉजिक से कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता सहायक तो हो सकता है लॉजिक लेकिन केवल लॉजिक के आधार पर सत्य को आप ढूंढने चले फिर तो असफलता ही मिलेगी लॉजिक से सत्य प्राप्त नहीं होता है लोक का व्यवहार चलता है अब लॉजिक से जैसे मानो कि मेरे को एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है जैसा अपना कन्याओं का गुरुकुल चल रहा है ना तो ऐसी एक बिल्डिंग बनानी है तो भाई उस बिल्डिंग को सौ आदमी मिलकर के बनाए यदि तो वो नौ महीने में बनेगी और यदि एक दिन में बनानी है तो कितने व्यक्ति चाहिए आदमी मिलकर बना रहे हैं नौ माह में और यदि वो हमें एक दिन में बनानी है तो कितने व्यक्ति चाहिए बताओ सताइस हजार चाहिए ना तो लॉजिक तो कह रहा है कि एक बिल्डिंग को सो लोग मिलकर के बना रहे हैं नौ माह में तो एक दिन में यदि बिल्डिंग बनानी है तो सताइस हजार लोग चाहिए अब सताईस हजार को यहाँ लाके खड़ा कर दो आप ग्राउंड पे बनी जाएगी शाम तक बन जाएगी ना वो खड़े भी ना ना उड़ेंगे बनाएंगे तो कहाँ सताइस हजार सारे एरिया को रोक लेंगे वो बनेगी कहाँ तो ये लॉजिक तो ठीक है लेकिन ये सत्य नहीं है तो सत्य कभी लॉजिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता ये किसी भी दर्शन की बात है आप जीवन के सत्य हो या शास्त्र के सत्य हो कोई भी सत्य हो उसको केवल लॉजिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता लॉजिक है जब तक तैरना ना आए पानी में मत उतरना पानी में जब आपको तैरना आ जाए तब पानी में उतरना नहीं तो डूबोगे लेकिन तैरना कब आएगा पानी में उतरोगे जब तक तैरना नहीं आता पानी में मत उतरना डूबोगे लॉजिक ठीक है कि नहीं तैरना ही नहीं आता तो पानी में डूबोगे ना लेकिन जब तक पानी में नहीं उतरोगे तैरना नहीं आएगा ये भी तो लॉजिक है अन्यास्य। नहीं नहीं अन्य आश्रित दोष नहीं है लॉजिक कह रहा है भाई ठीक है जब तक तैरना ना आए तब तक आप उतने पानी में मत उतरो जिसमें कि आप डूब सको आप कमर के में उतरो ना उसमें हाथ पैर मारो क्योंकि जब तक हाथ पैर चलाने नहीं आएंगे किताब पढ़ के तैरना नहीं आता है किताब में तो बहुत अच्छे से वर्णन है कि पहले पानी में उतरना फिर अपने आप को ऐसे सीधा लिटा देना पानी में फिर हाथों से ऐसे ऐसे पानी को काटना फिर आप बोलिए हमें तो आ गया तैरना तो किसी दिन जाके ऐसे लेटे ना पानी में तो नीचे लेटे मिलोगे फिर क्योंकि वहां जाके तो प्रैक्टिस करनी होती है तो सत्य मिलता है अभ्यास से अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध कोई भी सत्य अभ्यास से मिलता है चाहे वो आध्यात्मिक सत्य हैं, चाहे वो लौकिक सत्य हैं। अष्ट कैसे याद हो अब कोई कितना भी अच्छे से वर्णन कर दे लॉजिक दे दे ऐसे याद थोड़ी होगी उसका अभ्यास करना पड़ेगा रोज वीणा बजानी कैसे आएगी हारमोनियम कैसे आएगा अभ्यास से आएगा तो हर विद्या हर सत्य अभ्यास से प्राप्त होता है लॉजिक से नहीं होता है लॉजिक सहायता कर देता है लेकिन तो इसका लॉजिक भी गलत है पूर्व पक्षी का और प्रतिज्ञा भी गलत है तो इसलिए उसका खंडन कर दिया तुच्छवाद है ये अब आगे अगला प्रवाद कह रहे हैं ये सर्वम अभावो बोलो भावेशु इतरेतरा भाव सिद्धे है सर्वम् अभावयः सर्वम् अभावयः यह कह रहे हैं सब कुछ अभाव रूप है क्यों क्योंकि भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे हैं जो भाव पदार्थ हैं उनमें इतरेतर भाव की असिद्धि होने से सर्वम अभाव है जैसे मनुष्य में किसका अभाव है मनुष्य में किसका भाव है मनुष्यता को छोड़ के जो कुछ भी है उन सब का भाव है मनुष्य गाय नहीं है घोड़ा नहीं है कुत्ता नहीं है बिल्ली नहीं है घट नहीं है पट नहीं है मनुष्यता को छोड़ के जो कुछ है उन सब का भाव है तो इतने तरह अभाव है ना गाय में किसका भाव है गौत को छोड़ के सबका भाव है गाय घोड़ा नहीं है गाय कुत्ता बिल्ली मनुष्य कुछ नहीं है गाय केवल गाय है अश्व में किस किस का अभाव है अश्वत्व को छोड़ के सबका अभाव है तो ये कह रहे हैं इन भावों में इतरेतर अभाव सिद्धे परस्पर एक दूसरे इसका अभाव होने के कारण सर्वम अभाव जो पूर्ण नहीं है जिसमें किसी चीज का अभाव है जैसे मनुष्य में केवल मनुष्यत्व को छोड़ के बाकी सब का अभाव है तो मनुष्य पूरा कहाँ हुआ मैं किसी चीज में थोड़ा भी किसी चीज का अभाव हो तो उसको पूर्ण नहीं माना जाता ना घड़े में जैसे ग्रीवा नहीं बनाई न बना दिया पार्श्वभाग बना दिया ग्रीवा नहीं है तो अब उसको घट कहेंगे क्या क्यों क्योंकि एक पार्ट का अभाव है तो ऐसे इस संसार के जितने भी भाव हैं उनमें इतरेतर अभाव होने से सब कुछ क्या है अभाव ही है फिर ये पूर्व पक्षी का कहना है यावत भाव जातम तत्सर्व अभाव जिसने भी पदार्थ हैं उत्पन्न होने वाले इस संसार में वो सब क्या हैं अभाव रूप है भावेशु इतरे तरभाव सिद्धे है इन भावों में इन पदार्थों में इतरेतर इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से इतरेतर अभाव है तो अब इसका उदाहरण दे रहे हैं ये असन गहू अनश्वो गौहू ये गौ के बाद ना दूसरा जो गौ है इसके बाद अल्प विराम लगा लो अश्वात्मना असन गो जो है वो घोड़ा न होते हुए अश्वात्मना असन अश्व आत्मा न होते हुए माने अश्व स्वरूप वाली न होते हुए जो गौ है वो कैसी गौ है अनश्व हो गौ का स्वरूप क्या है अनश्व गौ अनश्व गौ मतलब जिसमें अश्व का अभाव है ऐसी है गौ ठीक है दूसरा उदाहरण दे रही हैं अः असन्न स्व गवात्मना अगौरश्व जो घोड़ा है वो क्या है गवात्मना असन गवात्मना असन अश्व अगौरश्व घोड़ा गाय के स्वभाव वाला या गाय के रूप वाला न होने के कारण घोड़े को क्या कहेंगे अगौरश्व गौरहित अश्व गौ के अभाव वाला अश्व अश्व में गो का अभाव है गो में अश्व का अभाव दोनों अभाव से युक्त हैं इसलिए सर्वम अभाव इति असत प्रत्यस्य प्रतिषेध से चाव शब्दे न समान करण्या अभाव तो कह रहे हैं ये प्रत्यय का असत प्रत्यय का मतलब गाय घोड़ा न होते हुए ये असत प्रत्यय है ना तो इस असत प्रत्यय का प्रतिषेधस प्रतिषेध क्या है अनश्व गौ गौ नहीं है गौ अनश्व गव है। तो इस प्रतिषेध का ये जो असत प्रत्यय था प्रतिषेधस्य और इस प्रतिषेध का ज्ञान भाव शब्द न माने गौ आदि जो भाववाचक शब्द हैं इनके साथ समानाधिकरण सर्वम अभाव उनका समानाधिकरण रहने से सब कुछ अभाव रूप ही प्रतीत होता है क्योंकि सब में इतरे इतर अभाव है ना तो फिर सब कुछ अभाव ही हो गया अब इसका उत्तर दे रहे हैं प्रतिज्ञा वाक्य पदयो प्रतिज्ञा हेतु व्याघाता अयुक्तम बोले जो आपका प्रतिज्ञा वाक्य है उसके जो दो पद हैं कौन कौन से पद हैं सर्वम अभाव एक पद भावेशु इतरे तरह भाव सिद्ध है दूसरा तो कह रहे आपके प्रतिज्ञा वाक्य में जो दो पद हैं इनमें आपस में ही व्याघात है दोनों ही परस्पर क्या हैं विरुद्ध अर्थ वाले हैं इसलिए अयुक्तम प्रतिज्ञा हेतुश्च व्याघातात् प्रतिज्ञा और हेतु का ही आपस में व्याघात हो रहा है विरुद्ध कथन हो रहा है कैसे हो रहा है पहले तो कहा सर्वम अभाव सब कुछ अभाव है और हेतु में क्या कहा भावेशु इतर इतर अभाव है। तो भाव को स्वीकार कर रहे हैं हेतु में पहले कहा अभाव और हेतु में क्या कह रहे हैं भावों में तो व्याघात हो गया ना अपनी बात का हेतु के द्वारा खुद खंडन कर रहे हैं तो उसको कह रहे हैं तो इसकी व्याख्या कर रहे हैं अनेक से अशेषता सर्व शब्द से अर्थ सूत्र में जो सर्वम शब्द है तो सर्व किसको कहते हैं अनेक अशेषता अनेकों में जो अशेषता है माने कुछ भी शेष नहीं है तो फिर क्या कहेंगे सर्वम जैसे मानो गुरुकुल में बहुत सारे सन्यासी ब्रह्मचारी रह रहे हैं और अब उन सब को बुलाया गया यज्ञशाला में तो अनेक लोग थे ना उनमें कोई भी शेष नहीं है अनेक अशेषता तो फिर क्या कहेंगे सब आ गई तो वहां शब्द का प्रयोग होता है सर्व से अर्थ अनेकों में जो अशेषता है उसको सर्व शब्द से कहा जाता है भाव प्रतिषेधस् अभाव शब्द से अर्थ और अभाव किसको कहेंगे सर्वम तो हो गया अनेकों में अशेषता उसको सर्व कहते हैं और अभाव किसको कहते हैं भाव का प्रतिषेध अभाव अभाव उसको ही तो कहेंगे जो भाव का प्रतिषेध है तो भाव प्रतिषेध अभाव शब्द से अर्थ भाव का प्रतिषेध ये अभाव शब्द का अर्थ है